जय सी आराम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं षडयंत्र के बारे में। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो डाल रखा है, लेकिन आज हम बात करेंगे इस स्फटिक षडयंत्र के बारे में कि इसका महत्व क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसको किस प्रकार से जागृत किया जाता है या पूजा विधि किस प्रकार से की जाती है। तो षडयंत्र के नाम से ही पता चलता है कि ये धन की देवी माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है। कहते हैं कि जहाँ षडयंत्र की स्थापना होती है वहाँ माता लक्ष्मी आने के लिए विवश हो जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी माँ नाराज होकर बैकुंठ चली गईं। उनके बिना धरती पर त्राही त्राही मच गई थी। तब देवगुरु बृहस्पति ने लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए षडयंत्र स्थापना और पूजन का उपाय सुझाया था। फिर माँ लक्ष्मी को धरती पर आने के लिए विवश होना ही पड़ा था। इसीलिए सभी के घरों में षडयंत्र का होना अति आवश्यक होता है। लेकिन यंत्रों में भी इस स्फटिक षडयंत्र का अपना एक अलग महत्व होता है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इसके जानने से पहले हम ये जानते हैं कि षडयंत्र के प्रयोग की कुछ सावधानियाँ होती हैं कि वो क्या क्या हैं। तो माँ लक्ष्मी का प्रिय षडयंत्र इंसान को धन संपदा संपन्नता और वैभव से माला माल कर सकता है। लेकिन कोई भी यंत्र हो या मंत्र हो तभी अपना पूरा प्रभाव दिखा पाता है जब हम उसे सही नियम और सावधानी से प्रयोग करते हैं। षडयंत्र दो प्रकार का हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। पहला होता है एक पिरामिड आकार का, जिसकी आकृतियाँ एक के ऊपर एक जो है बनी रहती हैं। वहीं दूसरा होता है भूमि पृष्ठ षडयंत्र। भूमि पृष्ठ षडयंत्र आपको तांबे के ऊपर बने हुए मार्केट के अंदर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने पिरामिड आकार के जो षडयंत्र होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। षडयंत्र को अपने घर में स्थापित करने से पहले सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि यंत्र बिल्कुल ठीक तरीके से बना हुआ हो, क्योंकि गलत यंत्र की स्थापना करके आप कई तरीके की मुश्किलों से भी घिर सकते हैं। षडयंत्र का चित्र आप काम करने के स्थान पर, पढ़ने के स्थान पर, पूजा के स्थान पर लगा सकते हैं। यहाँ भी षडयंत्र की स्थापना करें, वहाँ आपको सात्विकता रखनी होगी और नियमित मंत्र जाप भी आपको करते रहना पड़ेगा जहां पर भी आप षडयंत्र की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस स्फटिक के षडयंत्र की। तो जिस प्रकार शिवलिंगों में पारद शिवलिंग की महत्वता सबसे ज़्यादा बताई गई है, ठीक उसी प्रकार षडयंत्रों में स्फटिक षडयंत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्फटिक पत्थर शुक्र ग्रह का होता है। तो ज्योतिष के अनुसार जो लक्ष्मी होती हैं वो शुक्र ग्रह को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, और लक्ष्मी को शुक्र ग्रह ही कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। स्फटिक जो होता है ये एक चमकीला पत्थर होता है जो एकदम शीशे की तरह सा लगता है। यह पत्थर बर्फ के पहाड़ों के नीचे पाया जाता है। स्फटिक पत्थर देखने में पारदर्शी, भारी, मजबूत और ठंडा होता है। मार्केट में काफ़ी तरीके के जो है स्फटिक के षडयंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से प्योर षडयंत्र हैं या जो सही प्रकार से वो बने हुए होते हैं वैसे ही हैं। तो इनकी आपको सबसे पहले जांच कर लेना चाहिए। ज़्यादातर स्फटिक श्री के नाम पर कांच और प्लास्टिक यहाँ जो है बेचते हैं, इसलिए स्फटिक षडयंत्र लेने पर आपको सबसे पहले ठीक तरीके से उसकी परख कर लेनी है। स्फटिक षडयंत्र वजन में भारी होता है और पारदर्शी होता है, और यह अंधेरे में चमकता भी है, जबकि प्लास्टिक और कांच के षडयंत्र हल्के होते हैं। तो इस तरीके से आप असली षडयंत्र की जो है स्फटिक के षडयंत्र की जांच कर सकते हैं। असली और अच्छा स्फटिक षडयंत्र प्राप्त होने पर भी स्फटिक षडयंत्र तब तक पूर्ण लाभकारी आपका नहीं होता है जब तक कि आप स्फटिक षडयंत्र को जागृत ना कर लें। जागृत षडयंत्र ही पूर्ण तरीके से लाभकारी माना गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कच्चे दूध से स्फटिक षडयंत्र को धोने से षडयंत्र जागृत हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। स्फटिक षडयंत्र को जागृत करने के लिए कार्तिक मास में श्री चक्र, श्री सूक्त क्रिया करनी पड़ती है, जो महालक्ष्मी के बीज मंत्र माने गए हैं। तब जाकर यह षडयंत्र प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध होता है। तो यदि आप भी अपने घर में स्फटिक षडयंत्र की जो है सिद्ध स्थापना कराना चाहते हैं, तो आपको किसी प्रसिद्ध पंडित से या फिर जो ज्ञानवान पंडित हो उससे जो है मंत्रोच्चारण करवाना चाहिए, और आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में करवा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि स्फटिक षडयंत्र के लाभ क्या क्या होते हैं। तो षडयंत्र यंत्रों में राजा कहा गया है। यदि सिद्ध स्फटिक का षडयंत्र प्राप्त हो जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है। सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक षडयंत्र यदि घर के उत्तर दिशा में स्थापित किया जाए तो घर से दरिद्रता का नाश होता है। घर में सदा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि घर में पैसे नहीं रुकते हों, घर में स्फटिक षडयंत्र को अवश्य ही आपको स्थापित कर लेना चाहिए। दुकान में या ऑफिस में स्फटिक षडयंत्र की स्थापना करने से व्यापार में बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलता है। सिद्ध स्फटिक षडयंत्र को कार्यस्थल पर स्थापित करने और नियमित रूप से पूजा अर्चना करने से
व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस निकल आता है। जो भी लोग अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं उनको अपने ऑफिस में इसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर से करवाना चाहिए। श्री यंत्र में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए श्री यंत्र की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति भी होती है। यदि आप काफी ज्यादा कर्ज में फंस गए हों तो आपको कर्ज मुक्ति के लिए स्फटिक श्री यंत्र पर 108 दिन तक सिंदूर अर्पित करते रहना चाहिए। यदि आपके आसपास ऐसा कोई ब्राह्मण या पंडित नहीं हो जो कि आपके श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवा सके तो आपको क्या करना है कि आपको शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। नहा धोकर के एक थाली तैयार कीजिए और अपने घर का जो भी पूजा घर हो या फिर आप किसी ऑफिस में अगर उसकी स्थापना कर रहे हो तो आपको लेनी है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा यानी कि ईशान कोण। वहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर आपको चावल से स्वास्तिक बनाना है। यदि आप अष्टदल कमल बना सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो उसके ऊपर आपको श्री यंत्र को स्थापित करना है और 108 बार आपको श्री सूक्त का पाठ कर लेना है। और जितनी बार भी आप श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं तो आप या तो सिंदूर उस पर चढ़ाते जाइए श्री यंत्र पर, या फिर आप अक्षत जो होते हैं आप एक एक करके वो दाना चढ़ाते जाइए। ऐसा कहा जाता है कि इससे भी श्री यंत्र जो है एक्टिव हो जाता है। और यदि आप किसी ब्राह्मण से मंत्र जाप पूरा करवाकर प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वो तो अति उत्तम होता है। स्फटिक श्री यंत्र देवी लक्ष्मी जी का अमोघ फलदायक यंत्र है। श्री यंत्र में महालक्ष्मी जी का वास भी माना जाता है। इस यंत्र को अपनाने से समस्त सुख व समृद्धि प्राप्त होती है, निर्धन धनवान बनता है और अयोग्य योग्य बन जाता है। इनकी उपासना से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस यंत्र को समस्त यंत्र में श्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त है। स्फटिक श्री यंत्र ऐश्वर्यदाता और लक्ष्मी प्रदाता है। यह यंत्र आय में वृद्धि कारक व व्यवसाय में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। आज के समय में स्थायी धन की अभिलाषा सभी के मन में देखी जा सकती है। अधिकतर व्यक्ति कितना भी कमाए परंतु धन उसके पास जमा नहीं हो पाता है, वह बना ही रहता है। धन संचय कर पाना कठिन काम हो जाता है, इसीलिए श्री यंत्र की स्थापना आपको अपने घर में जरूर से करवाना चाहिए। स्फटिक श्री यंत्र स्थायी धन प्राप्ति के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसके साथ आप देवी लक्ष्मी, शुक्रदेव और कुबेर जी की पूजा का विधान तुरंत असरदायक माना जाता है। जहां भी देवी लक्ष्मी जी ऐश्वर्य देती हैं वहीं शुक्रदेव की अनुकूलता से भोगों को भोगने का सामर्थ्य व सुख भी मिलता है और कुबेर धन का संचय कराते हैं और वैभव भी प्रदान करते हैं। इन तीनों की पूजा संयुक्त रूप से श्री यंत्र के समक्ष की जाए तो अवश्य ही संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथों में भी इन तीनों की उपासना को महत्वपूर्ण जो है रूप से दर्शाया गया है। माँ लक्ष्मी को ऐश्वर्यदाता शुक्र की उपासना के लिए श्री यंत्र की पूजा की जानी चाहिए। स्फटिक यंत्र में धनदात्री माँ लक्ष्मी व शुक्र का आशीर्वाद समाहित होता है। इसकी साधना से भुक्ति, मुक्ति, ऐश्वर्य सभी प्रकार के वैभवों की प्राप्ति भी होती है। आइए अब स्फटिक के श्री यंत्र की हम पूजा विधि भी जान लेते हैं। इस यंत्र को स्थिर लगन में यथा विधि द्वारा पूजना चाहिए। इस यंत्र को गंगा जल व पंचामृत से शुद्ध किया जाता है। 5 अकीक लें और उनके ऊपर स्फटिक श्री यंत्र को रखें। अब यंत्र को विग्रह में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें और यथाविधि जो है पंचोपचार या षडोपचार पूजन करें व मंत्र जाप करें। सर्वप्रथम आपको श्री गणेश जी का स्मरण करना है और फिर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करने के बाद आपको तुरंत ही शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा अंत में धनपति कुबेर जी का स्मरण व मंत्र पूजन जरूर से करना चाहिए। जाप के पश्चात अकीक सहित स्फटिक श्री यंत्र को विग्रह या व्यवसाय स्थल अथवा तिजोरी में रखा जा सकता है। स्फटिक श्री यंत्र को नित्य धूप व दीप से पूजन व जप करना चाहिए। उपयुक्त विधि के अनुसार पूजा व जप करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके पास धन का आगमन हमेशा बना रहता है। स्फटिक श्री यंत्र प्रमुख रूप से ऐश्वर्य तथा समृद्धि प्रदान करने वाली महाविदा त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र है। यह यंत्र सही अर्थों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र राज भी है। स्फटिक श्री यंत्र स्थापित करने का सीधा तात्पर्य श्री लक्ष्मी जी को अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ आमंत्रित करना होता है। मेरा सीधा तात्पर्य यह है कि श्री यंत्र का साधक समस्त प्रकार के भोगों का उपभोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। स्फटिक श्री यंत्र जो है वो एक साथ भोग तथा मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने की शक्ति रखता है।
है। स्फटिक षडयंत्र को कार्यस्थल पर स्थापित करके और इसकी नियमित पूजा अर्चना करके आप अपने व्यापार को विकसित करने की उन्नति भी कर सकते हैं। हमारे व्यापारी मित्रों यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, जो ऑफिसों के जो मित्र हैं, उनको अवश्य इसके प्रयोग के बारे में बताना चाहिए और उनको ये प्रयोग ज़रूर से करना चाहिए। आप अपने घर में पूरे विधि विधान से स्फटिक षडयंत्र का पूजन आदि प्रत्येक दीपावली की रात्रि को संपन्न करके नियमित पूजा करेंगे तो आपके घर में साल भर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यदि आप मानसिक रोगी हैं तो श्रीयंत्र पर ध्यान लगाने की क्रिया प्रारंभ करें, इससे आपकी मानसिक क्षमता वृद्धि होती है। इसमें स्फटिक श्रीयंत्र सहस्त्रार चक्र के भेदन में सहायक भी माना गया है। यदि आप चाहें तो शुभ मुहूर्त में सिद्ध किया हुआ स्फटिक शिवलिंग को भी अपने घर में पूजा में स्थान दे सकते हैं। नित्य अर्चन से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और आपके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। भगवान शिव का सबसे प्रिय रत्न होने के कारण स्फटिक गणेश भी बहुत ही प्रिय होते हैं उनको। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि श्रीयंत्र को खरीदते समय विशेष रूप से आपको यंत्र में बने कोणों पर ध्यान आवश्यक रूप से देना है। ध्यान रहे कि ये श्रीयंत्र के टेढ़े मेढ़े आकृति के होने से आपको प्रीत फल भी मिल सकता है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है इसका सिलेक्शन करते टाइम कि आप जो भी षडयंत्र ले रहे हैं वो पूर्णता रूप से सही तरीके से बना हुआ हो। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्फटिक षडयंत्र के बारे में। यह आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय जय सियाराम।